सुप्रभात स्टूडेंट्स, कल हम बात कर रहे थे पर्यावरणीय अवनयन के बारे में। उसकी परिभाषा, उसके मतलब हमने समझने की, अर्थ उसका समझने की कोशिश की थी। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि जब मनुष्य का अस्तित्व पृथ्वी पर नहीं था, उससे पहले जो है पर्यावरण की क्या स्थिति थी। पर्यावरण परिवर्तन जो है वो एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब से हमारी पृथ्वी बनी है, आज से लगभग 4500 मिलियन वर्ष पहले, तो जब से हमारी पृथ्वी अस्तित्व में आई है, तब से जो है हमारा पर्यावरण जो है उसमें भी परिवर्तन आते रहे हैं समय समय पर। और ये परिवर्तन जो हैं ये दो तरह के थे। कुछ परिवर्तन तो शनै शनै धीरे धीरे आए हैं, ग्रेजुअली आए हैं, और कुछ जो है वो अचानक से आकस्मिक परिवर्तन आए हैं। और ये परिवर्तन जो हैं हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले चारों जो मंडल हैं, चारों स्फेयर्स हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और बायोस्फेयर, इन चारों मंडलों में ये परिवर्तन जो है वो आते रहे हैं। वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल। और ये परिवर्तन जो है, ये परिवर्तन कौन लेके आया है, इन परिवर्तनों को का आह्वान करने वाले प्रमुख कारकों में हम कुछ प्राकृतिक कारक जो हैं ज़्यादा अहम भूमिका रही है, प्राकृतिक शक्तियों की, जिसमें ज्वालामुखी, वोल्केनोज, अर्थक्वेक, भूकंप जिसको आप कहोगे, इसके अलावा जो आप पिछले सेमेस्टर में करके आए हो, नेचुरल एलिमेंट्स जो हैं, अपरदन के कार्यकर्ता, विभिन्न कार्यकर्ता जो हैं, चाहे वो विंड है, हवा, पवन है, चाहे वो हिम है या हमारी नदियां हैं, इसके अलावा पशु और पक्षी, ये जो हैं प्रमुख अभिकर्ता रहे हैं, प्रमुख एजेंट्स रहे हैं हमारे पर्यावरण को परिवर्तित करने वाले। और वो पर्यावरण को परिवर्तित नहीं करते बदली, बल्कि वो खुद भी जो है पर्यावरण के द्वारा जो है नियंत्रित किए जाते रहे हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक तत्व हैं और जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है, वो जो है एक गतिक या गतिमान पारिस्थितिकी का निर्माण करते हैं, और वो एक दूसरे से संचालित और नियंत्रित होते हैं। पर कहानी में ट्विस्ट आया आज से 4-5 मिलियन वर्ष पूर्व, जब एक परिवर्तन का एक नया अभिकर्ता, परिवर्तन का एक नया एजेंट जो है वो आया वनमानुष के रूप में, जिसको आप वनमानुष या एप कहते हैं, जो हमारे पूर्वज कहे जाते हैं। तो उसकी फॉर्म में जो है एक नए अभिकर्ता का जन्म हुआ, जिसने पर्यावरण का नक्शा बदल दिया। और ये एप जो है धीरे धीरे जो है इसकी नस्ल में सुधार होता रहा, और वर्तमान जिसको आप मानव कहते हैं, हम जो हैं हम बने, तो हमारी नस्ल तो सुधर गई, परंतु हमारे पर्यावरण का मामला जो है वो खटाई में पड़ गया। और वर्तमान समय में ये कहा जाता है कि मनुष्य जो है अपने पर्यावरण से प्रभावित तो होता है, परंतु वर्तमान मनुष्य जो है वो अपने खुद को जो है पर्यावरण की उपज नहीं मानता, बल्कि वो ये मानता है कि वही जो है वो क्रिएटर है, वो निर्माता है, परिवर्तन करता है। प्राचीन समय में, या आप कह सकते हैं आदिकाल में, जब मनुष्य का ज्ञान जो है वो सीमित था, उसके पास जो है संसाधनों को का दोहन करने के लिए, संसाधनों का शोषण करने के लिए या रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, टेक्नोलॉजी की कमी थी, तो उस समय जो है हम कह सकते हैं कि प्रकृति जो है उसका नियंत्रण बहुत अधिक था। परंतु जैसे जैसे उस
सिविलाइज्ड हुआ मनुष्य, जैसे जैसे उसको मानव सभ्यता का विकास हुआ उसके साथ साथ जो है साइंस टेक्नोलॉजी का भी विकास होता चला गया, और मनुष्य जो है पर जो नेचर की पकड़ थी, प्रकृति की पकड़ थी, वो धीरे धीरे जो है कमज़ोर पड़ती गई चली गई। और वो मनुष्य जो प्राचीन काल में बहुत लंबे समय तक जो है नेचर से भयभीत रहा था, कमज़ोर रहा था, उसने अब इतनी प्रोग्रेस कर ली कि वो जो है खुद को नेचर के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज नहीं करता है, बल्कि नेचर को ही बदलने की कोशिश चेष्टा करता है, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, अपने टेस्ट के अनुसार, अपने स्किल के अनुसार जो है उसको बदलने की कोशिश करता है। अब वो जो है स्लेव नहीं रहा है, दास मात्र नहीं रहा है प्रकृति का, बल्कि जो प्राकृतिक बदलाव हैं, पर्यावरणीय बदलाव हैं, उन में जो है एक शक्तिशाली, एक पावरफुल एजेंट के रूप में जो है, एक पावरफुल एक्टिव एजेंट के रूप में जो है वो निकल के आया है। हालांकि उसके दुष्परिणाम उसको भुगतने पड़ रहे हैं, आगे करेंगे इस बात का जिक्र हम। तो टेक्नोलॉजी का, प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते करते जो है ये मानव जो पहले मित्र हुआ करता था प्रकृति का, पर्यावरण का, अब धीरे धीरे जो है अपनी लालसाओं और इच्छाओं की पूर्ति हेतु जो है आर्थिक मानव के रूप में तब्दील हो गया है, और उसके और पर्यावरण के बीच के जो मधुर रिश्ते हैं वो धीरे धीरे उनमें खटास आ गई है, वो बिगड़ने लग गए हैं, और मानव और पर्यावरण के बीच बदलते बनते बिगड़ते इन संबंधों ने, इन बिगड़ते संबंधों ने जो है अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। कई साल पहले जो है एक विद्वान हुए हैं फ्रेडरिक एंग्लिस, उनका ये कहना था कि हमको जो है ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए कि हमने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि प्रकृति जो है उस हर विजय का हमसे बदला लेती है, और बदला ले रही है, दिखाई दे रहा है, कहीं पे महामारी है, अभी वर्तमान समय में जो है आप इस बात को देख रहे हैं, कहीं पर अकाल है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं पे जो है खाने पीने की शॉर्टेज हो रही है, कहीं पानी की कमी हो रही है, कहीं पे ऊर्जा का संकट उत्पन्न हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है हमारे पृथ्वी का, अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं हमारी धरा पर। तो ये जो है प्रकृति के प्रतिशोध के कुछ रूप हैं। पर्यावरण बिगड़ने से जो है, जब चरम सीमा हो जाती है पर्यावरण बिगड़ने से, जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र जो है वो बिगड़ जाता है, तो उसके बिगड़ने से हमारी जलवायु जो है उसकी गुणवत्ता में भी बड़ी कमी आती है। प्राकृतिक परिवर्तन जो है, जलवायु परिवर्तन जो है वो देखने को मिल रहा है। पहले आपके सीजन्स जो हैं फिक्स टाइम हुआ करते थे, अब जो है सर्दी चली आ रही है तो चली आ रही है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो ये सारे के सारे जो है अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य ने जो अविवेकपूर्ण तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल किया है, या पर्यावरण को कुरूप करने का जो प्रयास किया है, उसी के परिणाम जो हैं ये आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम जिक्र करेंगे कि जो ये पर्यावरणीय अवनयन हो रहा है, या एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन हो रहा है, इस डिग्रेडेशन के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण जो है दिखाई दे रहा है वो है तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या। इसी श्रृंखला में दूसरा है, हालांकि खुश हुआ करते थे हम इस बात पे, परंतु दूसरा प्रमुख कारण जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को बढ़ावा देने वाला है, वो हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो विकास हुआ है वो उत्तरदायी है। इसके इसके बाद जो है तीसरा कारक है, प्रमुख कारण जो है वो है कृषि और सिंचाई के क्षेत्र में
जो बढ़ोतरी हुई है, जो विकास हुआ है, वो भी उत्तरदायी है हमारे इस पर्यावरणीय डिग्रेडेशन का। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर बढ़ता हुआ जो है नगरीकरण और औद्योगीकरण भी एक कारण है। हम जो अनप्लैंड, अनवाइज या अनसाइंटिफिक तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन कर रहे हैं, वो भी एक प्रमुख कारण जो है बनता है हमारे पर्यावरण का हुलिया बिगाड़ने का। इसके अलावा हमारे विश्व में बहुत बड़े पैमाने पर जो हैं विभिन्न प्रोजेक्ट्स चले हुए हैं, विभिन्न परियोजनाएं जो हैं उनका कार्यान्वयन हुआ है, इम्प्लीमेंट हुई हैं वो, तो ये भी कारण हैं। इसके अलावा एक प्रमुख कारण आप बात कर सकते हो कारण की, वो है हमारी जो है अनजागरूकता, जन जागरूकता का अभाव है पर्यावरण के प्रति हमारे लोगों में, तो वो भी एक प्रमुख समस्या है पर्यावरणीय अवनयन को बढ़ावा। उनको लगता ही नहीं है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। इसके अलावा जिसको पता है वो भी उदासीनता है इस प्रॉब्लम के प्रति, जागरूक होने के बाद भी सोए हुए हैं वो लोग, तो उनकी उदास पब्लिक जो केयरलेसनेस है उसकी वजह से भी जो है हमारा पर्यावरण जो है वो उसमें कमी आ रही है, पर्यावरण का ह्रास हो रहा है और इस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की समस्या जो है वो उत्पन्न हो रही है। और इस तरह से बढ़ती हुई जनसंख्या का जो ऊंचा उठता हुआ जीवन स्तर है, जो हमारी असीम इच्छाएं हैं, बढ़ती हुई जो हमारी आवश्यकताएं हैं और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है उपलब्ध जो आपकी टेक्नोलॉजी है, सक्षम टेक्नोलॉजी आप कह सकते हो, उसके परिणाम स्वरूप जो है जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके दोहन की क्षमता भी बढ़ी है और लेवल भी बढ़ा है। तो बेतहाशा बढ़ा नहीं है, बेतहाशा बढ़ा है, बेतहाशा उसमें वृद्धि हुई है। और संसाधनों के इस अविचारित उपयोग ने जो है हमारे पारिस्थितिक तंत्र को बिगाड़ दिया है, हमारे पर्यावरण में बहुत बड़े पैमाने पर विभिन्न जो है परिवर्तन आए हैं और बहुत अच्छे नहीं हैं वो, ह्रास करने वाले। जलवायु का ह्रास हुआ है, अवांछनीय परिवर्तन आए हैं उसमें भी, सूखे बाढ़ का प्रकोप जो है वो बढ़ गया है और इस तरह से शुरू हो गया है मानव और पर्यावरण के बीच दुश्मनी का सिलसिला। और मानव और पर्यावरण के बीच इन बिगड़ते संबंधों का क्या अंजाम होगा और क्या अंजाम मनुष्य भुगत रहा है इनका, ये जो है हम कल के लेक्चर में देखेंगे। तो इस संबंध में, इस लेक्चर के संदर्भ में, या आपको कोई भी सब्जेक्ट के संदर्भ में कोई भी दिक्कत है, तो आप जो है मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पे जो है मैसेज करके अपनी क्वेरीज रख सकते हैं। कॉमनली मैं जो है इसका जवाब जो है यहाँ आपको दे दूँगी। धन्यवाद।